आज दूसरा हमारा जो प्रोग्राम है के मालेगांव शहर के केसरी कार्ड रखने वाले राशन कार्ड जिन लोगों को अनाज नहीं मिलता, गेहूं चावल शक्कर रॉकेल नहीं मिलता, ऐसे लोगों को रॉकेल मिलना चाहिए, अनाज मिलना चाहिए। इसके लिए आज एक मोर्चा है जो 3 बजे हम सब लोगों को वापस अशोका लाज आगरा रोड पर जमा होना है। बहरहाल शरद पवार साहब के ताल्लुक से पूरा महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरा देश जानता है और हर एक इंसान की सोच होती है और वो सोच के हिसाब से अपना सियासी सफर आगे बढ़ाता है। और शरद पवार साहब का सियासी सफर कांग्रेस पार्टी में शुरू हुआ और पवार साहब ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपनी बनाई और उनका सफर जारी है। बहरहाल महाराष्ट्र के अंदर और देश के अंदर आज 50 साल अपनी सियासी जिंदगी जनता के लिए, गरीबों के लिए, शेतकरियों के लिए और हर समाज हर धर्म के लिए अपना सियासी 50 साल जिंदगी लगाने का अगर रिकॉर्ड किसी के पास है तो शरद पवार साहब के पास है। ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है, गर्व की बात है। बहरहाल आज के हालात में इस मुल्क के अंदर, इस देश के अंदर, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत हो, चाहे यहाँ पर सिंधे परवेज की हुकूमत हो या महाराष्ट्र, हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग रियासतों के अंदर बीजेपी की जो हुकूमतें हैं और जो फिरका परस्ती बढ़ रही है इस मुल्क के अंदर, इस देश के अंदर, आप अभी गुजरात का इलेक्शन हुआ, गुजरात के अंदर क्या हुआ आप लोगों ने देखा। और ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसे लोगों का मुकाबला करना और सब अपोजिशन पार्टियों को एक साथ जमा करना, विचारधारा सोच के लोगों को और भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना, ये अगर इस मुल्क की आवाम अगर किसके तरफ देख रही है और अपोजिशन पार्टियां किसके तरफ देख रही है तो वो शरद पवार साहब की तरफ है, जो तरीके से वो कामकाज कर रहे हैं। तो आज हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि उनके पीछे मजबूती के साथ खड़े रहना। आज 82 बरस का कोई शख्स 82 साल की उम्र के बाद भी रोजाना सुबह उठकर रात तक आवाम के लिए लड़ना, इस मुल्क के लिए लड़ना, इस मुल्क के हिंदू मुस्लिम भाइयों के लिए लड़ना, ये बहुत बड़ी बात है। आज 12 दिसंबर हमारे मुल्क के बड़े नेता और हमारी पार्टी के प्रमुख चीफ शरद पवार साहब का आज 82वां जन्मदिन आज है और आज राष्ट्रवादी भवन पर इसी खुशी में आज 82 बुजुर्गों, लेडीज और जेंट्स मिलाकर हम लोगों ने उनको उनका इस्तकबाल किया और उनको उनको कपड़ा तकसीम किया गया और इसी के साथ साथ बुजुर्गों का मेडिकल चेकअप भी रखा गया और ऑनलाइन शरद पवार साहब ने मुंबई से पूरे महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को, वर्करों को ऑनलाइन उन्होंने मार्गदर्शन किया, तकरीर की और इसीलिए आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ऑफिस के ऊपर ये प्रोग्राम बनाया गया था। हम पवार साहब को मुबारकबाद देते हैं, उनकी सेहत के लिए दुआ करते हैं और आज के हालात में इस मुल्क में जिस तरीके से फिरका परस्ती बढ़ रही है, माइनॉरिटी के ऊपर खास तौर पर जो अत्याचार हो रहा है, जो रोज अखबार अगर हम उठाकर पढ़े तो रोजाना काले कानून मुसलमानों के खिलाफ, माइनॉरिटी के खिलाफ बनाने की बात की जाती है और इस हालात में मुल्कों के अंदर अगर तमाम इस सेकुलर पार्टियों को एक प्लेटफार्म पर अगर कोई शख्स ला सकता है तो आदरणीय पवार साहब ला सकते हैं। और मैं समझता हूं कि आज हमारे मुल्क की सेकुलर आवाम ने गुजरात का जो नतीजा आया वो नतीजे से सबक लेते हुए सेकुलर पार्टियों को मजबूत करने का काम और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को मरकज से, इक्तदार से बेदखल करने के लिए हम तमाम ही
सेकुलर मिजाज रखने वालों ने एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, और ऐसे लोगों को भी इस मौके के ऊपर हम लोगों को पहचानना चाहिए इस हालात में कि गुजरात में किसने नुकसान पहुंचाया, मुल्क में कौन नुकसान पहुंचा रहा है, कौन भारतीय जनता पार्टी की एजेंडगिरी कर रहा है, यह ऐसे लोगों को भी पहचानने की जरूरत है। और इस हालात में 82 साल के शरद पवार साहब हो गए, आज उनका जन्मदिन है, आज भी इस उम्र में मुल्क के तमाम सियासी पार्टियां जो सेकुलर है वो शरद पवार साहब की तरफ देख रहे हैं कि ये शख्स एक प्लेटफॉर्म पर सेकुलर पार्टियों को लाकर भारतीय जनता पार्टी को इक्तदार से बेदखल करने का काम और ताकत और समता अगर किसी में तो शरद पवार साहब है। इसके लिए हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये हम पवार साहब के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, सेकुलर पार्टियों के साथ खड़े हैं, और सेकुलर पार्टी राष्ट्रवादी को मजबूत करने का आज हम लोगों ने संकल्प लिया है और तय किया है।